हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लेबनिट्ज़ रूल पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, जो हमारा लेबनिट्ज़ रूल है ये आईआईटी जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो हमारा असाइनमेंट है उसके अंदर भी लेबनिट्ज़ रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मतलब आप हमें फॉलो करते हुए चलोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लेबनिट्ज़ रूल। ठीक है, लेबनिट्ज़ रूल आप इसको लिख सकते हो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा कि क्या मीनिंग है। फ्रेंड्स, आपसे अगर कोई पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप उसको बता दोगे कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब आपको कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है, जहां पर लोअर लिमिट है मेरी एक्स, अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो आप कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट इस पूरे फंक्शन को। आप क्या करो, पहले साइन टी को इंटीग्रेट करो। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोसाइन टी, फिर अपर लिमिट रखो तो माइनस का कोसाइन टी तो इंटीग्रेशन आया, अपर लिमिट क्या है एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ लिख लो कोसाइन एक्स स्क्वायर माइनस कोसाइन एक्स। ठीक है, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो फ्रेंड्स आप साइन टी का इंटीग्रेशन जानते हो, इसलिए आपने इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो फ्रेंड्स आपको लेबनिट्ज़ रूल काम में लेना पड़ेगा, अगर आप इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना चाहते हो। तो ये हमारा मोटिवेशन था कि हम लेबनिट्ज़ रूल क्यों पढ़ें। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम जानते हैं लेबनिट्ज़ रूल आखिरकार है क्या। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हैं फ्रेंड्स, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैं आपको एक इंटीग्रल लिख के देता हूँ, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। ठीक है, लोअर लिमिट में लेता हूँ फाई वन एक्स, अपर लिमिट में लेता हूँ फाई टू एक्स। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे इंटीग्रेशन बता रहा हूँ जहाँ पर ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यानी कि ये केवल वेरिएबल टी में फंक्शन है, टू वेरिएबल के लिए भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले आप वन वेरिएबल के लिए समझो। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये अल्टीमेटली, यानी सब कुछ सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब कुछ लगा देने के बाद, ये टी का फंक्शन मिलेगा या फिर एक्स का फंक्शन मिलेगा। तो अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है, लोअर लिमिट थी एक्स, अपर लिमिट थी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स का फंक्शन बन रहा था। क्यों बन रहा था, क्योंकि जब आप अंदर वाले को इंटीग्रेट कर देते हो तो वो टी के टर्म्स में कुछ आता है, और फाइनली जब आप टी की जगह एक बार एक्स स्क्वायर रखोगे फिर एक्स रख दोगे तो मतलब सब कुछ एक्स के अंदर चेंज हो जाता है, वही यहाँ पर होगा। ठीक है, आप एफ टी को इंटीग्रेट कर दोगे और इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे, तो अल्टीमेटली ये जो हमारा इंटीग्रल है ये फंक्शन ऑफ एक्स बनने वाला है। पहली चीज़ तो ये आपको समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स बनने वाला है तो मैं इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखूंगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, अपर लिमिट जो हमारी लिखी हुई है उसको आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो फाई टू डैश एक्स आ गया। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ईजी है ना, फाई टू डैश एक्स लिख दिया मैंने। अब जहाँ जहाँ एफ की दुनिया में टी है वहाँ वहाँ पर आपको फाई टू एक्स लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख दो आप एफ ऑफ फाई टू एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखो आप फाई वन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो माइनस फाई वन डैश एक्स, और जहाँ जहाँ एफ की दुनिया में टी है वहाँ वहाँ आपको फाई वन एक्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिया आपने एफ ऑफ फाई वन एक्स। तो हमारा बिल्कुल इतना आसान सा लेबनिट्ज़ रूल है,
ये मतलब आपको समझना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बात आपको समझनी है। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल फाई वन एक्स फाई टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक है, क्या आप मुझे इसकी वैल्यू एवेल्युएट करके बता सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर ये जो हमारा फंक्शन है ये तो एक्स में फंक्शन है। तो अगर कोई मेरा एक्स में फंक्शन है, ठीक है, सपोज़ करो इस पूरे को मैंने एफ एक्स नाम दे दिया, तो इसका अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा? ज़ीरो। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ध्यान नहीं रहता, लोग डिफरेंशिएशन के वेरिएबल पर ध्यान नहीं देते और इसमें भी ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं, ठीक है? तो ये मतलब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखो, तो ये मतलब आपको समझ में आया ना फ्रेंड्स, बहुत आसान रूल है, ठीक है। अब इसके दो मैं आपको स्पेशल केस बताता हूँ। केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका फाइव वन एक्स या फिर फाइव टू एक्स कॉन्स्टेंट हो, फाइव वन एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। सपोज करो आपका फाइव वन एक्स क्या है? कॉन्स्टेंट। तो फाइव वन एक्स की जगह मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो ये तो सेम ही रहेगा। बट फाइव वन डैश एक्स, ठीक है, ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, तो मैं इस वाली टर्म को हटा दूंगा, ठीक है। तो ये मतलब इजी है। तो फाइव वन एक्स अगर कांस्टेंट है तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो अगर फाइव टू एक्स कांस्टेंट होता तो यहाँ पर मैं फाइव वन एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर फाइव टू एक्स की जगह मैं ए लिख देता हूँ, तो ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? ज़ीरो। तो ये वाली टर्म क्या हो जाती? वैनिश। फिर कौन सी टर्म बचती? नीचे वाली। नीचे वाली क्या है? माइनस ऑफ फाइव वन डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ फाइव वन एक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आपका फाई वन भी कांस्टेंट हो और फाई टू भी कांस्टेंट हो। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए, ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट हो गए, सपोज करो बी टू ए, तो मतलब हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा लेबनिट्ज़ रूल था, इसे आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेबनिट्ज़ रूल का जनरल वर्जन समझाता हूँ। जनरल वर्जन क्या है? सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है फ्रेंड्स टू वेरिएबल फंक्शन को एफ एक्स टी, और किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपकी जो लोअर लिमिट है वो एक्स का फंक्शन है और अपर लिमिट भी आपका एक्स का फंक्शन है। फ्रेंड्स ऐसे इंटीग्रल हमारे सिलेबस में नहीं है जहां पर लोअर इंटीग्रल भी टू वेरिएबल फंक्शन है और अपर भी टू वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एक्स का फंक्शन बनेगा या फिर टी का फंक्शन बनेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा एक्स का फंक्शन बनेगा। क्यों बनेगा? देखो अंदर ये जो लिखा हुआ है इसे आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप x को मतलब चेंज नहीं करते, x तो वही रहेगा। तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो x तो वही रह गया और जो t है उसका कुछ मतलब इंटीग्रेशन हो गया। तो अब जो इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद आप एक बार t की जगह फाइव टू एक्स रखोगे, फिर फाइव वन एक्स रखोगे, तो मतलब जो आपका अल्टीमेटली आंसर है वो x का ही फंक्शन आना है। तो पहली चीज़ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा x का फंक्शन है। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग ये मेरा किसके इक्वल होगा? तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, जो हमारा लेबनिट्ज़ रूल का मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? फाइव टू डैश एक्स, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या लिख दो? फाइव टू एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को तो एक्स ही रहने दो और जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर आप लिख दो फाइव टू एक्स, लिख दिया माइनस। अब लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, फाइव वन डैश एक्स एफ ऑफ जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या लिख दो? फाइव वन एक्स, एक्स ऑफ फाइव वन एक्स, ठीक है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और टर्म एक्स्ट्रा आती है, उसे आपको नहीं भूलना। वो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी फ्रेंड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ एक्स टी डी टी, ठीक है, इस फंक्शन को आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे देख लो, डेल एफ ओवर डेल एक्स और फिर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, और नीचे आप लोअर लिमिट फाइव वन एक्स और अपर लिमिट फाइव टू एक्स। तो हमारा इतना आसान सा ये फॉर्मूला है। तो आप सबसे पहले जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं ये दोनों, इनको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर t लिख दूँ तो डी वाई डी टी ऑफ दिस थिंग क्या होगा, आपको पता है फ्रेंड्स कि ये x का फंक्शन है, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। अब देखो, अब उसके बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम आसान क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सपोज करो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन टी डी टी। ये आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके दो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये क्या है एफ ऑफ टी, लोअर लिमिट एक्स का फंक्शन, अपर लिमिट भी एक्स का फंक्शन, पूरा इंटीग्रल किसका फंक्शन हो गया, एक्स का फंक्शन, अभी आपको समझाया था। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, देखो ये टू वेरिएबल फंक्शन तो नहीं है ना, ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, अपर लिमिट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, टू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जहाँ जहाँ पर एफ की दुनिया में टी है वहाँ वहाँ पर आप टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, जहाँ जहाँ पर अंडर रूट साइन टी की दुनिया में टी है वहाँ वहाँ पर आप क्या लिख दो, एक्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टू एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। तो ये देखा आपने कितना ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो लेबनिट्ज़ रूल के क्वेश्चन ईजी ही होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो आप लिखो फ्रेंड्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ई रेस टू द पावर टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय जीरो टू एक्स ई रेस टू द पावर टू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो फ्रेंड्स ये दिखने में तो लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है बट यहाँ पर लेबनिट्ज रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप एक्स को इन्फिनिटी पर टेंड करवाओगे तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है, क्यों जाएगा, देखो मैं अभी ऑब्जर्व करवाता हूँ। e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर का इसका आप अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाओ, e रेस टू द पावर टी स्क्वायर, जैसे एफ ऑफ टी बराबर e रेस टू द पावर टी स्क्वायर लो आप, ठीक है, जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक्स को इन्फिनिटी पर भेजते जाओगे ये मतलब इन्फिनिटी पर जाएगा ग्राफ, और जीरो टू इन्फिनिटी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी पर ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पहली चीज़ तो आप ये समझो, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो ये हमारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो जब भी हमारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए सोचते हैं, ठीक है, आपका
ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है इंटीग्रल, ये पूरा इंटीग्रल, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको भी करो, ठीक है। तो लिखो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, अभी समझाया था, देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, जहां जहां t है वहां वहां क्या रख दो x, तो e raise to the power x square minus constant आ गया, constant का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं। अब नीचे आओ, डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1x का, जहां जहां t है वहां वहां आपने क्या रख दिया x, तो e raise to the power twice x square minus 0 का डिफरेंशिएशन क्या 0, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप क्या कर सकते हो कि आपका ये क्या हो गया 1 अपॉन e raise to the power x square है, ये e raise to the power twice x square है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं e raise to the power minus का twice x square, ठीक है। तो ये मेरा क्या बचेगा फ्रेंड्स, e raise to the power minus x square, ठीक है। तो जब आप x को इन्फिनिटी पर भेजोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये कहाँ पर जाएगा, जीरो पर। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब इस क्वेश्चन को देख के फ्रेंड्स मुझे एक और नया क्वेश्चन दिमाग में बन रहा है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर लगा दूँ, तब क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा फिर फ्रेंड्स। देखो ये इन्फिनिटी पर जाएगा, स्क्वायर लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो लिमिट, अब इसको थर्ड नंबर का क्वेश्चन नाम दे दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आपको अगर इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि समथिंग का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस इंटू समथिंग। अब चेन रूल से हम समथिंग को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये पूरा इंटीग्रल, ठीक है। तो बस अब आप चेन रूल लगा दो, तो समथिंग का स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करो, टू इंटू समथिंग, समथिंग क्या है, जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर टी स्क्वायर डी टी। अब समथिंग को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन तो अभी हमने देखा था e raise to the power x square था, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या था, e raise to the power twice x square, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करो फ्रेंड्स कि इस e raise to the power x square को यहां लेके आ जाओ, तो जब आप यहां लेके आओगे तो e raise to the power minus x square मिलेगा, तो e raise to the power 2x square में से फिर क्या बचेगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो, अब आप जब वापस एक्स को इन्फिनिटी पर टेंड करवाओगे तो ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो फ्रेंड्स अगर वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई तो हम वापस एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे, पहले अपर लिमिट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1, जहां जहां t है वहां वहां x लिखो e raise to the power x square minus लोअर लिमिट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, डिवाइडेड बाय e raise to the power x square को डिफरेंशिएट करो, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग, समथिंग को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखो, x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ऐसे मैंने इसको क्यों किया डिफरेंशिएट, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब देखो e raise to the power x square से e raise to the power x square क्या हो गया, कैंसिल, 2 से क्या कैंसिल हो गया 2, तो लिमिट x is tending to infinity 1 upon x मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x is tending to infinity 1 upon x, तो अभी भी मेरा आंसर 0 आएगा। तो ये मेरा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि
सपोज करो आपको फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा जो मतलब लेबनिट्स रूल का कुछ इजी इजी क्वेश्चंस आपने देखे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जो वो टू वेरिएबल वाला फॉर्मूला था उसको भी बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। उसके ऊपर भी मैं अभी आपको एक ईजी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो कैसे, सपोज करो फ्रेंड्स आपको